पता है आपको, जैसे यतीम खाने होते हैं ना, यतीम खाने आपने देखे होंगे कि किसी बच्चे के माँ बाप नहीं है तो लोग उसको यतीम खाने में छोड़ के आते हैं। उसी तरीके से बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आज हमारे जमाने में पेरेंट्स का यतीम खाना खुलने लगा है कि माँ बाप बूढ़े हो गए, 70-80 साल के, ग्रैंड चिल्ड्रन भी बड़े हो गए, घर छोटा है, परवड़ता नहीं है, खर्चा नहीं परवड़ता, अरे झगड़े होते हैं, इनका भी करो, बच्चों का भी करो, कैसे बच्चों का ध्यान रखेंगे हम। तो सुनो, एक अच्छा सा ओल्ड होम्स फॉर पेरेंट्स है, अपने पेरेंट्स को वहाँ छोड़ के आओ ना, तो बदकिस्मत लोग अपने माँ बाप को छोड़ के आ जाते हैं। कुछ लोग पेरेंट्स से बनाते हैं, पेरेंट्स डे के दिन जाते हैं, मदर्स डे के दिन माँ के पास जाकर कार्ड देकर आते हैं, होम्स फॉर द ओल्ड एजेस में। अभी वैसे तो मदर्स डे फादर्स डे का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है कि भाई साल में एक बार तुमने अपनी माँ को कार्ड दे दिया, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, ये कहाँ से आ गया भाई। हमारे लिए तो वबिल वालिदैन एहसान, एक्सीलेंस एवरी डे, नॉट ओनली वन डे। तो यतीम खाना फॉर पेरेंट्स, मैं उसको ये कहता हूँ। मैं बैठा था और 30-40 पेरेंट्स बेचारे बैठे थे और मेरी लेक्चर सुन रहे थे। अब मुझे एहसास हुआ कि ये तो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों ने इन्हें यहाँ लाकर छोड़ दिया। तो मैंने उनसे सवाल पूछा, आप लोगों को यहाँ कैसा लग रहा है? तो जो मैनेजमेंट है ना, उन्होंने कहा, निसार भाई ये लोग यहाँ पे बहुत खुश है, यहाँ तो इनके कमरे में एयर कंडीशन है, टेलीविज़न है और खाना अच्छे में अच्छा मिलता है, बुफे खाना मिलता है, चाचा नौकरानियाँ होती है, डॉक्टर्स रहते हैं, कभी भी कोई बीमार है, एकदम लग्जरियस लाइफ है। तो मैंने कहा कि सर आई डोंट अग्री विद यू, इनको आपने लग्जरी तो दे दी बट दे आर मिसिंग देयर ग्रैंड चिल्ड्रन, इनको अपने पोते और नवासे याद आते हैं, इनके साथ कोई बात करने वाले नहीं है, इनके फ्रेंड्स जो थे उनके साथ जो खेलते थे बचपन में, ये बड़े होकर गुजर गए, कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया, अभी बेचारे अपने पोते और नवासों के साथ वक्त गुजारते थे, तो वहाँ से भी उठाकर आपने इनको यतीम खाने में ला के रख दिया। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो माँ बाप का स्टेटस, स्पेशली माँ का, हमारे ऊपर बहुत बड़ा है। आप कितनी भी नहीं किया करें, आप कोई भी ग्रेड लेकर आओ, ए ग्रेड या PhD कर लो, मेडिकल डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, लेकिन अगर आपके माँ बाप को आपसे फ़ायदा नहीं पहुँचता आपके नेचर से, देन यू हैव फेल्ड। सो सी टू इट कि आप इस तरह के बच्चों में शुमार ना हो जो दुनिया तो खूब बना लेते हैं लेकिन आखिरत के एतबार से ये फ़कीर हो जाते हैं, और बुढ़ापे में माँ बाप की दुआओं से महरूम ना होना। बस ख्याल रखो इतना कि दुनिया गुजारते गुजारते माँ बाप को भी खुश रखने की कोशिश करो। इंशाल्लाह और बातें पेरेंट्स के बारे में हम अगली नशिस्त में लेकर आएंगे। इस एपिसोड में इतना काफ़ी है, लेकिन बहुत सारी बातें शेयर करनी है आप लोगों के साथ और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आपको दिलाना है, इंसानियत के बहुत सारे सबक हमें सीखना है कुरान और सुन्नत की रोशनी में। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में और तस्करा करेंगे हम किस तरह से एक अच्छे टीन्स बन सकते हैं, दीन फॉर टीन्स। इस प्रोग्राम में इंशाल्लाह आप शिरकत करते रहिए और आपकी फीडबैक भी भेजते रहिए। जज़ाकअल्लाह व खैरन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। iPlus TV, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या DTH ऑपरेटर से iPlus TV आज ही डिमांड करें। iPlus TV फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।